आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जानिए विश्व की सबसे बड़ी तंत्रपीठ आखिर क्यों कहलाती है, कामाख्या माई। कामाख्या देवी के मंदिर के अनेक रहस्य जानकर आप भी दांतों तले दबा लेंगे उंगलियां। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है व इसका तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वाच्च स्थल है। पूर्वायत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशाल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वाच्च स्थान रखता है। यहीं भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। ये अष्टादश महाशक्तिपीठ स्तोत्र के अंतर्गत है जो आदि शंकराचार्य ने लिखा था। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। विश्व विख्यात और विश्व का एकमात्र माँ कामाख्या महासिद्ध पीठ की एक मान्यता ये भी देवी ग्रंथ कुलावरण तंत्र और महाभगवती पुराण में बताई गई है कि जो भी कलयुग में इस स्वयंभू सिद्ध पीठ में गंगा मैया का गंगा जल लाकर चढ़ाएगा और उसमें से ही महानदी ब्रह्मपुत्र में डाल देगा, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा, क्योंकि ये सभी पृथ्वी के साथ सभी लोगों की दिव्य शक्तियों का भी शक्ति केंद्र हमेशा रहा ही है। साल में एक बार मनाया जाता है अम्बुवाची पर्वक। विश्व के सभी तांत्रिकों मांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाला अम्बुवाची योग पर्व वस्तुत एक वरदान है। यह अम्बुवाची पर्व भगवती सती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार तथा कलिकाल में प्रत्येक वर्ष जून माह आषाढ़ में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। यह एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती है। इन 3 दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसका पौराणिक संदर्भ भी जानिए। जानकार विद्वानों के अनुसार पौराणिक सत्य है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती है और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इस कलिकाल में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नजारा है। जानकार विद्वानों के अनुसार अम्बुवाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों के पुरस्चरण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिकों मांत्रिकों अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व माना जाता है, ठीक उसी प्रकार उससे भी श्रेष्ठ इस आदि शक्ति के अम्बुवाची पर्व का महत्व है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन तंत्र मंत्र में पारंगत साधक अपनी अपनी मंत्र शक्तियों को पुरस्चरण अनुष्ठान कर स्थिर रखते हैं। और यही वक्त होता है जब विश्व के सबसे प्राचीनतम तंत्र मठ चीनाचारी आगम मठ के विशिष्ट तांत्रिक अपनी साधना करने तिब्बत से यहाँ आते हैं। इस पर्व में माँ भगवती के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं जो कि रक्तवर्ण हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में श्रद्धालु भक्तों में विशेष रूप से वितरित किए जाते हैं। इस पर्व पर भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश तिब्बत और अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी साधना के सर्वाच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। वाममार्ग साधना का तो यह सर्वाच्च पीठ स्थल है। मच्छंदरनाथ गोरखनाथ लोनाचमारी इस्माइल जोगी इत्यादि तंत्र साधक भी सावर तंत्र में अपना यही स्थान बनाकर अमर हो गए हैं। अब जानिए कामाख्या देवी की कथा के बारे में।
कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुरराज नरकासुर एक दिन माँ भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 400 पथों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्व में चूर असुर ने पथों के चारों सोपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी कुक्कुट अर्थात मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाल। यह स्थान आज भी कुकटाचकी के नाम से विख्यात है। बाद में माँ भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिए। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बंट गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा। नरकासुर के नीच कार्यों के बाद एवं विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वंस प्राय हो गया था। जानकार विद्वानों के अनुसार आदिशक्ति महाभैरवी कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नद के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, का दर्शन करना आवश्यक है। यह एक प्राकृतिक शैलदीप है जो तंत्र का सर्वाइच सिद्ध सती का शक्ति पीठ है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। भगवती के महातीर्थ अर्थात योनिमुद्रा नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसीलिए यह क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। जानकार विद्वान बताते हैं कि सती स्वरूपिणी आदिशक्ति महाभैरवी कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वाइच कौमारी तीर्थ भी माना जाता है, इसीलिए इस शक्तिपीठ में कौमारी पूजा अनुष्ठान का भी अत्यंत महत्व है। यद्यपि आदि शक्ति की प्रतीक सभी कुल व वर्ण की कौमारियां होती है, किसी जाति का भेद नहीं होता है। इस क्षेत्र में आदि शक्ति कामाख्या कौमारी रूप में सदा विराजमान है। इस क्षेत्र में सभी वर्ण व जातियों की कौमारियां वंदनीय है, पूजनीय है। वर्ण जाति का भेद करने पर साधक की सिद्धियां नष्ट हो जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा करने पर इंद्र तुल्य शक्तिशाली देव को भी अपने पद से वंचित होना पड़ा था। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका देह काटते गए तो नीलाचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गर्भ गिर गई और उस योनि गर्भ ने एक देवी का रूप धारण किया जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। योनि गर्भ वह जगह है जहां बच्चे को 9 महीने तक पाला जाता है और यहीं से बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है और इसी को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। भक्त यहां देवी सती की गिरी हुई योनि गर्भ की पूजा करने के लिए आते हैं, जो देवी कामाख्या के रूप में है और दुनिया के निर्माण और पालन पोषण के कारण देवी सती के गर्भ की पूजा करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने माँ की योनि गर्भ से जन्म लेता है, लोगों की मान्यता है उसी प्रकार जगत की माँ देवी सती की योनि से संसार की उत्पत्ति हुई है, जो कामाख्या देवी के रूप में है। यहाँ मिलता है अनोखा प्रसाद। अम्बुवाची मेले के दौरान यहाँ बहुत ही अनोखा और चमत्कारिक प्रसाद भक्तों को मिलता है, जो है लाल रंग का गीला वस्त्र। बताया जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व माता कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, लेकिन 3 दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं तब यह वस्त्र माता की रज के कारण रक्त जैसे लाल हो जाते हैं और इस दिव्य प्रसादी वस्त्र को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वस्त्र को धारण करके शक्ति की उपासना करने से सिद्धि सुलभता से प्राप्त हो जाती है, ब्रह्मपुत्र भी हो जाती है लाल। हर वर्ष इस मेले के दौरान पास ही में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल रंग का हो जाता है, जो कि कामाख्या देवी के रजस्वला को दर्शाता है। इन दिनों इस नदी में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि देवी कामाख्या माता पार्वती का योनि भाग है।
हर महीने माता कामाख्या मासिक धर्म से गुजरती है और इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में केवल महिलाओं को ही प्रवेश दिया जाता है। पुरुषों को इस दौरान अशुद्ध माना जाता है और उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से मना किया जाता है। मासिक धर्म के दौरान देवी कामाख्या को रजस्वला माना जाता है और इस दौरान पुरुषों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। यह मासिक धर्म चक्र 4 दिनों तक चलता है और इस दौरान मंदिर बंद रहता है। वहीं देवी कामाख्या स्त्री शक्ति का प्रतीक है। मंदिर में पुरुषों को प्रवेश न देकर यह दर्शाया जाता है कि स्त्री पुरुषों से कमजोर नहीं है, बल्कि उनमें असीम शक्ति और सृजनात्मकता है। कामाख्या मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है, जो देवी सती के अंगों के गिरने का स्थान माना जाता है। इन शक्ति पीठों को देवी शक्ति का निवास स्थान माना जाता है और पुरुषों को इन स्थानों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि उन्हें देवी के समक्ष पुरुष शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कामाख्या मंदिर तांत्रिक विद्या का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ कई रहस्यमय और गोपनीय अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें पुरुषों की उपस्थिति वर्जित है। कामाख्या मंदिर तांत्रिक पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तांत्रिक परंपरा में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए पुरुषों को कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों और पूजाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं है, जिनमें कामाख्या मंदिर में होने वाली पूजा भी शामिल है। असम में कुछ सामाजिक रीति रिवाज भी है, जिनके तहत महिलाएं मासिक धर्म के दौरान घर से बाहर नहीं निकलती है। कामाख्या मंदिर में भी इसी परंपरा का पालन किया जाता है। भारतीय समाज में मासिक धर्म को अक्सर अशुद्ध माना जाता है, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि पुरुषों को मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के संपर्क में नहीं आना चाहिए। यह रीति रिवाज कामाख्या मंदिर में पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध का एक कारण हो सकता है। ये सभी मान्यताएं और रीति रिवाज सामाजिक और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। कामाख्या मंदिर में पुरुषों को प्रवेश न देने के पीछे धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक और तांत्रिक कई कारण हैं। यह मंदिर स्त्री शक्ति का प्रतीक है और हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मंदिर से जुड़ी जरूरी बातें जानिए। भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद कन्या भोजन कराया जाता है। वहीं कुछ लोग यहाँ जानवरों की बलि देते हैं। खास बात यह है कि यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी है। इन्हें भगवान शिव की नववधु के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियों को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। यहाँ के साधुओं के पास एक चमत्कारिक शक्ति होती है, जिसका इस्तेमाल वे बड़े ही सोच समझकर करते हैं। यह जगह तंत्र साधना के लिए भी महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं अगर किसी पर काला जादू हो तो मंदिर में मौजूद अघोरी और तांत्रिक इसे उतार देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ काला जादू किया भी जाता है। कामाख्या मंदिर का समय भी जान लीजिए। कामाख्या मंदिर के दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलता है। सामान्य प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे से कतार बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए यदि किसी के पास समय है तो इस विकल्प पर जा सकते हैं। आम तौर पर इसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। VIP प्रवेश की एक टिकट लगता है, जिसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, जो कि प्रति व्यक्ति 501 रुपए की लागत पर उपलब्ध है। इस टिकट से कोई भी सीधे मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है और 10 मिनट के भीतर पवित्र दर्शन कर सकता है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं,
किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।